हमने कोई तकरीबन 15-20 मिनट नीचे उछाली झील पे इंतज़ार किया कि शायद धूप ख़त्म हो जाए और हम थोड़ा ड्रोन शॉट ले लें या कोई वीडियो बना लें या तस्वीरें उतार लें, लेकिन अपनी अपनी किस्मत है। वहाँ बैठने के बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा मौसम में, बल्कि धूप और तेज़ होने लग गई और गर्मी लगने लगी। हमने सोचा कि अब वापस चले जाएँ। रास्ते में हमने एक जगह बैठ के एक आदमी के पास बोतल पी, उसने एक वो बनाया हुआ था, किसे कहते हैं, शेड सा बनाया हुआ था। तो बातों बातों में उसने बताया कि आप तो ऊपर केसर बेस तक जा सकते हैं, कि जो वहाँ हेलीपैड है वहाँ तक आप जा सकते हैं। हेलीपैड बाय द वे जिस जगह हम खड़े हैं इससे नीचे है, तो वहाँ तक आप जा सकते हैं। हमें अंदाज़ा नहीं था, तो हमने कहा अच्छा ठीक है, हम वापस चलते हैं। वापस जाने पे गेट पे हमें रोक लिया गया और जो ड्यूटी पे थे गार्ड्स उन्होंने कहा जी आप नहीं जा सकते। उन्हें फिर हम लोगों ने बताया कि हम बिल्कुल बेज़र लोग हैं, शरीफ आदमी हैं, हमारी तलाशी ले सकते हैं, हम तो सिर्फ टूरिस्ट हैं और इधर सैर करने आए हैं, तो हमें जाने दें। थोड़ी सी पसो पेश करने के बाद उन्होंने हमारी बात मान ली और हमें ऊपर आने दिया। अब ये ऊपर का मौसम एंटायरली डिफरेंट है नीचे के मौसम से। नीचे शदीद तेज़ धूप है, जबकि ऊपर मौसम ये देखें मरी की तरह का मौसम है, शानदार नज़ारे। इस जगह का नाम है फुलवाड़ी गार्डन, जिसका मैंने पहले आपको अर्ज़ किया, अब मैं आपको दिखा। इसको फुलवाड़ी बंगला भी कहते हैं। ये कमिश्नर सरगोधा का कैंप ऑफिस है भाई दिवे। क्या खूबसूरत जगह है, मैं कैमरा फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ज़बरदस्त। एक नई मस्जिद ज़ेर तामीर है इधर फुलवाड़ी बंगले में, और ये फुलवाड़ी बंगले का गेट है जिस पे आवाम के लिए ताले लगे हुए हैं। सारी बातें बुकिंग करवा के लोग आते होंगे, हर कोई नहीं आ सकता होगा। ये दरख्त है एक बहुत प्यारा सा, पीछे बिल्कुल उस तरह के पत्थर हैं जैसे हमने पंच पीर बोल्डर्स में देखे थे। अगर आपने पंच पीर बोल्डर्स वाली वीडियो हमारी देखी है तो ये तकरीबन वही अंदाज़ है, नेचुरल पत्थर हैं, उसी तरह से प्लेस हुए हैं। ये सामने बैरियर लगा हुआ है, जो हमें इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, और हमने बड़ी ईमानदारी से अपनी बाइक्स पीछे ही पार्क कर दी और आगे हम कोई नहीं गए। हम इस फुलवाड़ी बंगले के मुज़ाफात में ही घूम फिर रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला और फिर चले जाएंगे। अभी मैं आपको वो दिखाता हूँ कि यहाँ से सीनरी कितनी ज़बरदस्त है। बैक साइड जो है ये सामने शेड सा बना हुआ है हुड, इसकी बैक पे क्या कमाल सीनरी है। वो सामने हमारी बाइक्स खड़ी हैं जनाब, होंडा सीबी 150F और सुजुकी GS 150, कमाल बाइक्स हैं दोनों। ये परिंदों के लिए घर बनाए हुए इन्होंने, जिन्हें हम पंजाबी में उर्फ में कुज्जा कहते हैं, उसके अंदर। वो थोड़ा सा पीछे से आपको शायद नज़र आ रहा हो फुलवाड़ी बंगले का मंज़र ये कैसा है, मैं आपको बाढ़ के उस पार दिखाने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह ताला कभी इसकी बुकिंग करा के भी आने की कोशिश करेंगे। तो जनाब ये बाढ़ के उस पार है फुलवाड़ी बंगला, बहुत खूबसूरत लग रहा है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं हूँ इधर। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सामने है जी जो मैं व्यू की बात कर रहा था आपसे, वो हमारी बाइक्स के उस पार। ड्रोन एहतियात नहीं उड़ा रहे क्योंकि हमने पूछा भी नहीं था उन्हें, और उन्होंने डेफिनेटली सिर्फ तस्वीरें उतारने की इजाज़त दी थी। तस्वीरों में छोटी सी वीडियो भी शामिल ही होती है, लेकिन ऑब्वियसली ड्रोन शामिल नहीं होता। तो ये है जी शानदार व्यू और ख़ूबसूरत मौसम जो यहाँ से नज़र आ रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत है। देखें जी वाओ, जस्ट वाओ। अगर मैं थोड़ी सी बेहतियाती करूँ नीचे उतरूँ तो शायद व्यू ज़्यादा बेहतर आते। ये बेहतियाती मैं इसलिए कह रहा हूँ, नीचे सिर्फ पत्थर है, कोई रास्ता नहीं है। ये सेल्फी स्टिक को थोड़ा सा ऊंचा करता हूँ, अब आपको शायद लग रहा है। सुभान अल्लाह,
क्या खूबसूरत आवाज़ें आ रही हैं अल्लाह ताला की, मखलूक ये परिंदे जो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और ये अल्लाह ताला ने इंसानों से जो दो चीज़ें बनवाई हैं ये भी बड़ी कमाल है। ये दोनों बाइक्स कंफर्टेबल बाइक, ये थोड़ी सी हाइकिंग सी बन गई। ओ वाह, वहाँ एक गजीबो बना हुआ है, गजीबो में बैठते हैं। वेरी गुड, ये देखिए वाइल्ड सीन्स, ये जंगली जैतून है, वाइल्ड ऑलिव इसे कहते हैं, फलदार नहीं होता। लो जी हम गजीबो की तरफ जा रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सीन तो फिर ये है, थोड़ी वीडियो तुम नहीं, जो आप हमारी बैक साइड पर देख रहे हैं ये उछाली झील का व्यू है। और किसी तौर हम यहाँ गजीबो तक पहुँच गए, ये छत नुमा बनी हुई है जो चीज़ हो सके, नीचे कुर्सियाँ लगी हुई हैं, टेबल लगी है, दिस इज कॉल्ड गजीबो या गजैबो वट एवर इट इज़। और बरसात की वजह से थोड़ी हवस है, लेकिन नीचे से तो बहुत अच्छा मौसम है, नीचे अभी भी साफ धूप पड़ती हुई नज़र आ रही है, नीचे कोई लाइफ नहीं है, जिंदगी ऊपर ही है। दिखाइए, और ये हमारे पीछे एक कैक्टस लगा हुआ है, कैक्टस के जनाब प्लांट लगे हुए हैं, ये देखिए ब्यूटीफुल। और पीछे छोटी सी चिड़िया भी एक है, ग्रेट सीन है जी, तन्हाई सोल सर्चिंग के लिए तो ये बेस्ट जगह है। आप अपने आप को रिकोलेक्ट करने के लिए आना चाहें, बैठ के अपनी ज़िंदगी के नफ़ा नुकसान का जायज़ा लेने के लिए एक दो दिन के लिए यहाँ आएँ, बैठें तन्हाई में, वाह दुनिया से कट के बिल्कुल इन खूबसूरत नज़ारों में मज़ा आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या क्या ज़बरदस्त आवाज़ें हैं परिंदे की यहाँ। चलो जी